हे फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस मिट्टी के घड़ा क्ले पॉट जो पकी हुई मिट्टी का है इसका मेकओवर कैसे करें वो दिखाऊंगी। ये एक पकी हुई मिट्टी का घड़ा है जिसमें पानी स्टोर होता था एक टाइम में। अभी यहाँ पे जो होल देख रहे हैं यहाँ पे टैप लगा था, उसको मैंने रिमूव कर दिया है। और इस पर आप देखिए कितना सुंदर एक पैटर्न बना हुआ है। इस पैटर्न पे भी कुछ क्रिएटिव आर्ट करेंगे, तो प्लीज़ फॉलो माई वीडियो। आगे आपको दिखेगा इस पर हम क्या करने जा रहे हैं। क्ले पॉट में स्टार्ट करने से पहले मैंने फैब्रिकल एक्रिलिक पेंट वाइट कलर का लिया है। इसको मैं सबसे पहले बेस कलर वाइट दूंगी, ये इम्पॉर्टेंट है, वाइट कलर इम्पॉर्टेंट है। तो मैं इसे कलर करना स्टार्ट करती हूँ। इसको मैं दो कोट में करूँगी। एक बार एक कोट फिनिश हो जाए उसको सूखने देना है, फिर दोबारा दूसरा कोट करना है जब तक वो अच्छी तरह से सूख ना जाए। वो ड्राई होना इम्पॉर्टेंट है, तो एक फिनिशिंग आ जाएगा। उसके बाद मैंने मुझे जो ड्राइंग पसंद थी, जो आर्ट इस पर बनाना था, मैंने उसका स्केच कर लिया है। मैंने इस पर टू लेडी का ड्राइंग बनाई हुई है जो मुझे बहुत पसंद है। अब मैं इस पर कलरिंग स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं वाइट कलर ली हूँ और उसको फ्रीली कर रही हूँ, वो फेस पे करना है मुझे। स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है, आप उसको फॉलो करेंगे तो आप भी बड़े आराम से पेंटिंग बना सकते हैं। मैं आप सबको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि बेस कलर वाइट क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें स्केचिंग करनी होती है और वाइट कलर पे आप स्केचिंग अच्छा कर सकते हैं, कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं। उसके बाद आप चाहे जो कलर यूज़ करो। और ये एक्रेलिक पेंट इवन कोई भी कलर करने से पहले हमें ध्यान रखना होगा अच्छी तरह से सूख चुका हो, तभी हम दूसरा कोट करें। गैप इम्पॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ उसको फॉलो ज़रूर करें। और एक बार एक्रेलिक पेंट सूख जाए तब आप उस पर वार्निश कर सकते हैं, जो एक फिनिशिंग टच देगा और एक शाइनिंग लुक भी आएगा। जब ये पूरी तरह से ओवरऑल हम कंप्लीट अपना वर्क कर लेंगे आर्ट पर। फाइन वर्क करने के लिए मैं 0 और 1 नंबर का ब्रश यूज़ कर रही हूँ। उससे फाइन टच आता है, जैसे आईज है और बहुत पतली लाइंस जहाँ पे हमें ड्रॉ करनी है वहाँ पे मैं 0 और 1 नंबर का राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ।
मेरा आगे किया वर्क हो चुका है। ये बैक पोर्शन है पॉट का, जहाँ पे टैप लगा था, टैप की जगह मैंने क्ले से उसको फिल कर दिया है और वो एम्प्टी प्लेस फिल है और उस पर मैंने ब्लैक कलर पेंट कर दिया। और ये जो पैटर्न ऑलरेडी फ्लावर का बना था उस पर मैं ये कलर कर रही हूँ, उसको मैं रेड कलर से बना रही हूँ। रेड एंड येलो आई एम गोइंग टू यूज़। आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर निकल के आया है। ये पॉट बहुत ही सुंदर लग रहा है। बैक पोर्शन पे जो फ्लावर पैटर्न बना था उसको मैंने ऐसे कलर किया है एंड फ्रंट पोर्शन पे मैंने ये टू लेडी की पिक्चर बनाई है। मुझे तो बहुत सुंदर लग रही है, इसका मेकओवर बहुत ही अच्छा बन के आया है। आप भी अपने पॉट पर ऐसे ही कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।